मेरा पास टाइम नहीं है। फिर क्या बंटी? तू बोली नहीं मानने ना मानू कती बिल्कुल भी। कौन सी बोली? अच्छा ना मानने ना मानू कती। नथुपुरा बुराड़ी में कटे महिला के सर के बाल, 60 साल की बुजुर्ग महिला के कटे सर के बाल। दिल्ली में जगह जगह बाल कटने की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज दिल्ली के थाना स्वरूप नगर इलाके में नथुरा गांव में करीबन 60 साल की बुजुर्ग महिला के रहस्यमय बाल काटे गए। महिला को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया और बुजुर्ग महिला प्रेमवती का कहना है कि करीब 35-40 साल की एक महिला आकर उनसे बात करती है। जो बात करती है वह महिला नीम के पत्ते लगाने के लिए बात करती है, परंतु प्रेमवती नीम के पत्ते लगाने से मना कर देती है। उसी दौरान अचानक से बाल कट जाते हैं। घर के आसपास काफ़ी लोग थे, किसी और गली से कोई महिला लोगों ने गुजरती नहीं देखी, पर यह बात केवल प्रेमवती से ही हो गई थी। इस तरह बाल काटना अपने आप में एक रहस्यमय बना हुआ है। महिला ने बताया कि उसके सिर में दर्द हुआ और उसने बाल काटते नहीं देखा। अचानक बाल कैसे कट गए यह महिला को खुद भी बात मालूम नहीं है। अब पूरी दिल्ली में बाल कटने की घटनाएं से दहशत है, बल्कि दिल्ली ही नहीं पूरे आसपास के इलाके में दहशत बनी हुई है। उत्तरी भारत बाल पकड़ाती नहीं काटती नहीं देखी तो नहीं कही मेरे बाल क्यों काट दिए? आया था तेरे को? अपने हाथ में ले रही हो फेंक दी आपने अपने कटते देखे मना तो मेरे हाथ में तेरी अरे मेरा सिर दर्द होया नु होए है बस और कुछ मतलब बाल काट किसी जेंट्स था जेंटी और थे हां और थे। कितनी उम्र की होगी? वाह बेटा 30-35 साल की उम्र की होगी। मैं 60 की होगी। मैं तो फिर पड़ गई पीछे ना बेटा। 2 बजे मैं बच्चे का वेट कर रहा था कि मेरा बच्चा वैन से आता है, और जैसे ही बच्चा आया इधर गली में से एक कोई चद्दर बेचने वाला निकला। जैसे चद्दर बेचने वाला निकला तुरंत एक शोर मचा, चीख की आवाज़ आई। मेरे गली के सामने ही वो बुढ़िया रहती हैं और उनके साथ एक हादसा हुआ। हादसे में ये था कि कोई उनसे लेडीज बात कर रही है जो उनको दिखाई दिए केवल और किसी को दिखाई नहीं दी। मैंने भी गली में उनको निकलते हुए नहीं देखा किसी लेडीज को सिवा चद्दर वाले के अलावा। उसके बाद उनका सर दर्द हो जाता है, वो सर बहुत भारी हो जाता है, वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाती है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो कहती है कि मेरी लेडीज से बात हुई है और वो हल्दी के छापे लगाने की बात करती है कि तूने क्यों नहीं लगाए। इस बात को कहकर वो लेडीज गायब हो जाती है और किसी को दिखाई नहीं देती है। तभी अचानक से हम लोग पुलिस को फोन करते हैं, पीसीआर आती है और पीसीआर उनको लेकर जाती है जिनकी हालत अभी फिलहाल ठीक है। क्या नाम था, कितनी उम्र है इनकी और कहाँ रहते हैं ये लोग? वो प्रेमवती नाम है और बी ब्लॉक की ये घटना है और 60 साल लगभग इनकी उम्र है। नथुपुरा बुराड़ी है जी, नथुपुरा। तो अभी क्या है, क्या लग रहा है उनको, क्या कोई हॉस्पिटल ले गई है और अभी देखते हैं क्या होता है। अभी किरण 2:15 हुए थे तो हमने देखा कि एकदम से इस गली में से एक लेडीज आई। उन्होंने बोला कि इस गली में आंटी की चोटी कट गई है। जब हम दरवाजे पे बैठे हमने किसी को नहीं देखा इस गली में से निकलते हुए, और उसके बाद तो इतनी अफरा तफरी मच गई है कि वो कह रही है कि मैंने किसी को देखा भी नहीं है, और जो उनके आसी पड़ोसी हैं वो भी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी किसी को देखा नहीं है वहाँ पे। बताया जा रहा है कोई बुजुर्ग महिला उनसे बात कर रही थी? नहीं नहीं, वो हाँ उनको ही दिखा और किसी को नहीं दिखी। क्या कहा उन्होंने, कुछ बताया आपको क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि तुमने क्या नाम है नीम क्यों नहीं लटकाया अपने दरवाजे पे, और जो ये थापे लग रहे हैं हल्दी के जो हाथ लग रहे हैं ये क्यों नहीं लगाए, और क्या नाम उन्होंने बोला हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा है कि उसने लेडीज ने कहा मुझसे कि क्या नाम है मानेगी और औरों को भी मनाएगी, तू अभी देख सबके थापे लगवाएगी, बस यही बोला। इतना हमने सुना, बाकी हमने और कुछ देखा नहीं। उन्होंने कहा है कि तूने नीम के थाप ये नीम क्यों नहीं टांग क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। आंटी ने जिनकी चोटी कटी है उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। क्या था, कैसे कितनी चोटी कटी है, उनकी थोड़ी कटी है पूरी? उनकी चोटी रबड़ से नीचे नीचे सारी कटी है। पहले की तरह देखते हैं जगह जगह टीवी पर। हाँ हाँ
नहीं तो उनसे थोड़ी कम है, लेकिन बाकी रबड़ से नीचे कटी है उनकी चोटी। चौकी का फिलहाल क्या है, टेंशन में है, कहाँ पर है? टेंशन हॉस्पिटल में। आपको माहौल कैसा बना हुआ है? यहाँ पे तो बहुत अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है सब, हर आदमी घबरा रहा है। घबराना तो नहीं चाहिए, नहीं बहन नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रखनी चाहिए, सबके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच्ची मेरी भाभी यहाँ इसी जगह अकेली बैठी हुई थी और उनकी करीबन 62 वर्ष की उम्र है और उनका ये कहना है कि कोई लेडीज आई थी और लेडीज ने उससे कहा कि तुमने नीम के थापे और ये नीम क्यों नहीं लगाया, ये तुमने माला क्यों नहीं बनाई या हल्दी के थापे क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं क्यों लगाऊं। और जब वो उन्होंने कहा अच्छा तू नहीं लगाएगी, तो उसके बाल पकड़ लिए, फिर बाल पकड़ने के बाद उसको बाल से ऐसे करा तो उसको पता नहीं चला, उसके बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद उसके सर में दर्द और बदन में दर्द। मगर एक आप लोगों से अपील है, जो ये बाल कट रहे हैं हम पहले अफवाह मान रहे थे, अब ये बात सच्ची है और किसी के बाल कटते हैं वहां पे भीड़ मत जुटाए, उस बालों के ऊपर टोकरी रख दो, किसी को हाथ मत लगने दो, उस औरत को डराओ मत और उसको गाड़ी में डाल के या सोनापुर के लिए गाड़ी लेट आती है उसकी जिम्मेदार हम लोग हैं, मेडिकल लेके जाओ। जिस तरह की घटना आज यहाँ पर हुई, आपसे पहले कहीं और भी बहुत जगह हुई है नटुपुरा में? हाँ जी, यहाँ आज यहाँ स्कूल के पास सुनी गई है माना भावना। हाँ, कुछ लोगों की अपने अपनी आंखों से जो देखा इस वक्त स्कूल के पास सुनी गई है और ये देखी गई है, पहले हम अफवाह समझ रहे थे मगर इसमें जो है शरारत की जा रही है और कोई लावारिस वस्तु पाई जाए, ये हमारे साथ जो दूसरा कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें प्रशासन को भी सख्ती बरतनी चाहिए? बिल्कुल, और इसके अंदर कोई लावारिस वस्तु भी है और हमें ऐसा लगता है जैसे ये बाल जो है दूर से किसी चुम्बक से काटे जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। बाकी इतना जो भयभीत लोग हो रहे हैं यहाँ पर, परेशान हो रहे हैं, तो इसमें क्या डरना चाहिए? नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि डट के मुकाबला करना चाहिए हमें। मेरा नाम राजरानी सतीजा है, मैं सी ब्लॉक से हूँ। 2:30 बजे कैमरामैन नसीम के साथ नरेंद्र कुमार, दिल्ली।